उत्तराखंड के देहरादून जिले के पछवादून में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के फटने की वजह चार मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। घर में आग लगने की वजह से चार मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची थी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड में पर्याप्त पानी नहीं था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने पर काफी देर हुई। गुरुवार देर शाम प्यूनी बाजार में पुल के पास एक चार मंजिला मकान में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने से सिलेंडर फट गया, जिससे चौथी मंजिल धू-धूकर जलने लगी। चौथी मंजिल में तीन परिवार रहते हैं। मकान में आग लगने से चार बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बच्चों के माँ बाप किसी तरह से बचकर बाहर निकल आए और आग में फंसे अपने बच्चों को तलाशते रहे। देर शाम करीब 4 बजे चौथी मंजिल में रहने वाले एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में गैस समाप्त होने पर परिजन सिलेंडर बदल रहे थे। नया सिलेंडर लीकेज होने से अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते सिलेंडर फट गया और पूरे मकान में आग लग गई। देखते ही देखते मकान धू-धूकर जलने लगा। पूरे मकान में धुआं फैल गया, जिससे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान चौथी मंजिल में रहने वाले परिवारों में अफरा तफरी मच गई। देहरादून के चकराता के त्यूनी क्षेत्र स्थित एक मकान में भीषण आग लगने की दुर्घटना में चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। मासूमों की हादसे में मौत से परिजनों सहित इलाके में मातम पसरा। पुलिस के राहत बचाव दल ने आग पर काबू पाने के बाद हादसे के शिकार हुए चार बच्चों में से दो के शव बरामद कर लिए हैं। हालांकि अन्य की तलाश जारी है। इस भीषण आग हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर और डीएम देहरादून सोनिका ने खुद घटना स्थल पहुंचकर राहत बचाव दलों की कार्यवाही में तेजी लाकर निरीक्षण किया। त्यूनी अग्निकांड मामले में लापरवाही बरतने और समय पर कार्रवाई न करने के आरोप में स्थानीय नायब तहसीलदार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। वहीं इसी घटनाक्रम के चलते अग्निशमन के अधिकारियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। हालांकि अभी इस घटना की उच्च स्तरीय जांच जारी है। वहीं इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। सायंकाल को त्यूनी में जो अग्नि आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लापरवाही के आरोप में जो त्यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित चारों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और वो रिपोर्ट देकर के जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज्ड के परिवार को 2-2 लाख की का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और डीएम देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अभी स्थिति सामान्य है। जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो चार डिसीज्ड थे जो इनका अंदर कमरे में होने बताया गया था, उसमें से दो की डेड बॉडी रिकवर किया गया। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के साथ दो अन्य की जो है रिकवरी के प्रयास अभी हम लोग हमारी फायर सर्विस और थाना पुलिस कर रही है और अभी स्थिति सामान्य है। धन्यवाद। जब ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, मासूम बच्चे इसमें जो है झुलस गए और मौत भी हो गई, तो इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? ये बहुत ही दुखद घटना थी और चार बच्चे थे उसके अंदर जिनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखदायक और बहुत ही संवेदनशील बात है और हमारी तरफ से हमारी टीम की पूरी कोशिश थी कि तत्काल सर्च ऑपरेशन किया जाए और दो बॉडी रिकवर भी हुई है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ कॉम्पनसेशन की जो बात थी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के द्वारा सभी को कॉम्पनसेशन की बात कही गई है
2 लाख कॉम्पनसेशन, उसके अलावा भी हम लोगों ने जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी बन थे उन पर कार्रवाई की कर रहे हैं, जिससे कि इस तरह की जो घटना है वो एक मैसेज दे कि कोई भी डिले। खबर देहरादून जनपद के त्योणी क्षेत्र का है, जहां पर कि एक मकान में, एक बहुमंजिला 4 इमारती मकान में आग लगने के कारण मकान जलकर हुआ राख। गैस रिसाव के कारण यह मकान में लगी आग, जिसकी सूचना लोगों ने मौके पर दमकल अधिकारियों को दिया, जिसमें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आई, लेकिन उन गाड़ियों में इतना पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि वो आग को बुझा सकें। मकान में लगे भीषण आग लगने के बाद चार बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, यानी 4 बच्चों की मौत हुई। मौके पर सूचना मिलने के बाद DM देहरादून सोनिका, SSP देहरादून दिलीप सिंह कुमार, वो तमाम सभी बड़े अधिकारी आला अधिकारी त्योणी मौके पर निरीक्षण हेतु पहुंचे, जिसके बाद कुछ लापरवाही पाने के बाद तुरंत जो है DM सोनिका ने एक्शन लिया और फायर ब्रिगेड के जो प्रभारी समेत 4 कर्मियों पर गिरी गाज।